जस्सी, मैंने ना तेरी भूगोल की कॉपी देना घर ले जाने वास्ते, मैं तेनू कल सुबह दे दूंगा। चलो बच्चों अपनी अपनी जगह पे चलो सब लोग। नमस्ते नमस्ते, बैठ जाओ बच्चों। आज कॉपियां जांचने का दिन है ना, सब लोग अपनी अपनी कॉपी बाहर निकालो। रणवीर, तू आजकल बड़ा अपने मन का हो जाता है, जब चाहे बिना बताए छुट्टी कर लेता है। परसों क्लास में क्यों नहीं आया था? हाँ टीचर जी, वो जरा से काम था, पर आपने जो जो सवाल दिए जबकि सही सही जवाब लिख कर आया हूँ मैं। किसी दूसरे की कॉपी मांग कर नकल कर लेने से काम नहीं चलता, जवाब भी याद करने पड़ते हैं। अच्छा बता तो सही, रानी लक्ष्मीबाई दी माँ का नाम की था? बता, देखा? अरे होता है नकलची बनने दा अंजाम, परीक्षा में किसकी कॉपी मांगेगा तू? बता ना, रानी लक्ष्मीबाई दी माँ का नाम की था? जवाब देना। पीछी भागीरथी बाई, बोलो ना। भागीरथी बाई। अच्छा, और उनके पति का नाम? राजा गंगाधर राव। राजा गंगाधर राव। अच्छा जरा बता कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था? November 1828 को। बताना। 19 नवंबर 1828 को। शाबाश पुत्र, तुझे तो तीनों जवाब सही सही पता है, बिल्कुल सही जवाब दिया तूने। एक बात बता, जब तुझे तीनों जवाब पता थे तो तू इतना डर क्यों रहा था? बच्चों, जब हम सही हैं तो हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की तरह। उनके पति उनके साथ नहीं थे, हर तरफ परेशानियां थी, लेकिन फिर भी वो घबराई नहीं, अपने सांस के अंत तक वो मातृभूमि की सेवा करती रहीं। बच्चों, ऐसी औरतें समाज के लिए एक उदाहरण होती हैं, एक आदर्श होती हैं। हमारे इतिहास में ऐसी बहुत सारी औरतों का उदाहरण है, जैसे कि मास्टर जी, मेरी बीजी बहुत बहादुर है, अपने और पापा जी दोनों का काम कर रही है। वो खेतानु संभालती है, घर नु संभालती है, हम सब नु बहुत अच्छे से संभाल के रखती है। हमारे पूरे फ्रेंड में बीजी एक अकेली जनानी है जिन्हें ट्रैक्टर चलाना आता है, घर का हिसाब किताब भी वो खुद ही करती है। तो हुई ना मेरी बीजी बहुत बहादुर। बीजी, वो भी बोलो ना कि बीजी हमारे लिए दूध और लस्सी बना के पिलाती है, बोलो ना बीजी। बीजी, ये भी तो बोलो ना कि बीजी हमारे लिए दूध और लस्सी बना के हमें पिलाती है। रणवीर, कौन है वहाँ पे? ये आवाज कहाँ से आई? मैं पूछ रहा हूँ, बताना कौन है वहाँ पे?